हमारे पास आ चुकी है स्कॉर्पियो एमोक, और इसकी खिड़की का काम होना है। इसकी खिड़कियाँ सही से नहीं खुल रही हैं, तो इसकी खिड़की सारी की सारी पोचेस खोल कर आयलिंग होगी, सारे लाख धोए जाएंगे। उसके बाद इसकी खिड़की सारी रिपेयर करेंगे, इसके सारी खिड़कियों के लाख, और फिर इसके सारे खिड़की सही खुलने लगेंगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब इसकी मैं पोचेस खोलूँगा। तो गाइस पोचेस खोल ली है, और ये पोचेस ये रखी, ये पोचेस पूरी खोल ली है। अब इसके बाद इसके लाख में क्या दिक्कत है, इसका लाख क्यों सही से कभी लाख, और ये रहा इसका लैच। तो अभी देखेंगे ये लैच सही से काम क्यों नहीं करता है, ये क्यों अटकता है, क्यों सही से खिड़की नहीं खुलती है। तो अभी इसको अगर आयलिंग करके ये सही हो जाता है तो अभी आयलिंग करके ये ऐसे ही सही कर देंगे, और अगर आयलिंग करके ये सही नहीं होता है तो इसको खोल के इसको डीजल से धो के इसको बिल्कुल क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे तो इसकी बिल्कुल सही खिड़की काम करने लगेगी। जहाँ तक है पहली बात तो कोई भी चीज़ नई नहीं डालते हैं, जहाँ तक है पूरा सब सामान रिपेयर कर देते हैं, जितना हो सकता है उतनी रिपेयरिंग करते हैं। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं लॉक में आयलिंग करने के लिए। तो गाइस लॉक में आयलिंग कर दी है, और अब इसको चलाकर देखेंगे, अगर ये सही से काम करता है तो ठीक, नहीं तो फिर इसको खोल लेंगे। इस खिड़की बिल्कुल सही हो गई है, ये आप देखिए एक बार में खिड़की खुल रही है। फाइनली इसके जितने भी लॉक हैं सारे के सारे सूखे हुए हैं। ये देखिए खिड़की बिल्कुल सही खुल रही है, सही बंद हो रही है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब इसके पोचेस बंद करते हैं। तो गाइस इसकी पोचेस कंप्लीट कर दी है, खिड़की बिल्कुल ओके हो गई है, लॉक बिल्कुल सही हो गया है। तो बढ़ते हैं अब दूसरी खिड़की की तरफ, और इस खिड़की में बहुत आवाज़ आ रही है, ये देखिए बहुत आवाज़ आ रही है इस खिड़की में, ये देखिए ये आवाज़ है, ये आवाज़ आ रही है यहाँ से, ये स्टॉपर में ये जो बोल्ट लगा है, बोल्ट की वजह से खैर इतनी आवाज़ नहीं आती है, लेकिन ये स्टॉपर बिल्कुल सूखी हुई है, और जहाँ तक है इसके सारे लाख सूखे हुए हैं। तो सभी लाखों में सभी खिड़कियों में पोचेस खोलकर सभी लाख में आयलिंग करनी होगी। तो ये देखिए अभी इसके पोचेस खोलेंगे, इसमें आयलिंग करेंगे।